बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के फजल करम व शुक्र के साथ आपका दोस्त हारून खान आपको विले मुखशम जी कहता हूँ। आज मैं घर में फारिग था और कोई काम वगैरह भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं आज अपने परिंदों का पिंजरा वगैरह साफ़ कर लूँ, जिस तरह मैंने पिछले ब्लॉग में आपके साथ अपने बर्ड्स वगैरह शेयर किए थे और जिसमें हमारे कॉकटेल भी थे और तीतर भी थे। तो कॉकटेल का पिंजरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो मैंने आज बिल्कुल दिन को फारिग था और छुट्टी भी थी आज मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने कॉकटेल का पिंजरा वगैरह साफ़ कर लूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि ये अब दो तीन ब्लॉग आ रहे हैं गटे जिसमें मैंने कैप पहनी हुई है, तो पिछले ब्लॉग की एंडिंग में कैप मैंने उतारी हुई थी और आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बाल बहुत छोटे करवाए हुए, तो ये पहली बार ही है, या तो मैंने गंजा करवाए और या बाल बड़े बड़े रखे, तो ये पहली बार ही थी कि मैंने बाल बिल्कुल छोटे करवाए हुए। तो बाल अभी पीछे फिर भी थोड़े बड़े हुए हुए थे, अभी मतलब थोड़े बड़े हो गए तो अभी पीछे मैंने कटवाए हैं। तो मैंने अपने व्लॉगिंग के लिए एक माइक लेकर आया हूँ, ये आप देख सकते हैं, अभी मैं माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि वीडियो की जो वॉइस मतलब क्वालिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो आपके साथ मेरी बिल्कुल यही कोशिश है कि आपके साथ डेली अच्छा कंटेंट शेयर करूँ ताकि आपको भी व्लॉग अच्छे लगे। तो अभी मैं अपने पिंजरा साफ़ करता हूँ, तो आपसे वहीं मिलते हैं। तो ये अभी हम पिंजरे के पास आ चुके हैं, तो ये आप देख सकते हैं, तो ये कॉकटेल वगैरह यहाँ पर फेरे, तो अभी काफ़ी ऊपर बिल्कुल वहाँ से धूप की रोशनी पड़ी है, तो ये मेल ये बैठे और फीमेल ये यहाँ पर बैठी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि पिंजरे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो अभी मैं इनको इस छोटे पिंजरे में अंदर जो पड़ा है इसको मैं बंद करता हूँ और पिंजरे वगैरह को साफ़ करते हैं। तो ये मैं लकड़ी का बूरा गाँव से ले आया हूँ, तो इसमें अब लकड़ी का बूरा वगैरह पड़े, तो वो अब यहाँ पर हम नीचे इसमें बिछा देंगे और फिर पिंजरा इसको देखते हैं कि किस तरह साफ़ करते हैं। तो अभी मैंने अपने कॉकटेल यहाँ तो छोटे पिंजरे में बंद कर दिए हैं, तो इनको बंद करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि ये बहुत मुश्किल थी, अंदर कभी आसपास उड़ के जा रहे थे। तो अभी मैंने इसको यहाँ पर बंद कर लिया, तो ये आप देख सकते हैं अभी छोटे पिंजरे में, तो ये अभी छोटे पिंजरे में थोड़े से यहीं पर रहेंगे। तो मैं इनके बड़े पिंजरे को साफ़ करता हूँ, तो ये यहाँ पर बड़ा पिंजरा का इसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, तो इसको भी साफ़ करते हैं। और अभी मैं अपने पिंजरे की सफाई कर चुका हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं पिंजरा पहले से काफ़ी ज़्यादा साफ़ नज़र आ रहा है। तो ये मैंने दरख्त निकाल के से पत्ते वगैरह ख़राब हो गए थे, तो वो सारे मैंने उतार दिए हैं और नीचे लकड़ी का बूढ़ा वगैरह मैंने सारा गिरा दिया। तो आप देख सकते हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और ये डोली वगैरह, तो डोली पहले की साफ़ थी, तो ये कॉकटेल वगैरह अभी ऊपर ही बैठे हुए हैं, तो सफाई वगैरह सारी हो गई है। तो अभी इनका पानी का बर्तन वगैरह वो ऊपर रखना है, तो ये अब सीढ़ियाँ वगैरह मैंने लगा दी हैं, इन्होंने गिरा दी थी, तो उसके बाद ये ऊपर ये भी अभी यहाँ पर लगा रहे बोलते इसको भी नहीं लाते। और अभी तो अभी मैंने अपना पिंजरा वगैरह बिल्कुल साफ़ कर लिया कॉकटेल का, तो ये अभी आप देख सकते हैं नीचे बूरा वगैरह भी सारा मैंने रख लिया, और ये देख सकते हैं ये छोटा पिंजरा भी इसके अंदर ही है और ये डोली वगैरह। तो कॉकटेल अब बड़े मज़े से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, और ये मैंने यहाँ पर नीचे पानी का बर्तन रखे, तो इसमें ये केल वगैरह आप पी लेंगे और पानी वगैरह भी पी लेंगे। तो ये अभी पानी इसमें डाल दिए, तो अभी ऊपर दाने वगैरह ये डोली अलग कर दी है, तो इसका दाने वगैरह की भी एक डोली नीचे देखते हैं। तो पिंजरा अभी बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा तैयार हो चुका है, बिल्कुल साफ़ सुथरा,
और अभी काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ था। तो अभी मैं तोतों का पिंजरा साफ़ कर चुका हूँ, तो वो पिंजरा काफ़ी अच्छा तैयार हो चुका है। तो अभी तीतरों को, जैसे आपको पता है कि तीतर अब मेरे छोटे पिंजरे में थे, तो उनके पिंजरे में तोते ने कब्जा कर लिया था। तो अभी मैं उनके लिए एक यहाँ पर छोटा सा पिंजरा पड़ा है, तो वहाँ पर उसकी सेटिंग बनाता हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं सामान वगैरह ले आया हूँ, तो पिंजरा वगैरह यहाँ पर रख दिया, तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ और उसका पिंजरा वगैरह हम बनाते हैं। ये देख सकते हैं कि ये वाला छोटा पिंजरा था हमारे पास, तो इसको मैं यहाँ पर ले आया हूँ। तो यहाँ पर ये नीचे त्रोड़े वगैरह पड़े हैं और ये बुरा भी पड़े हैं, तो इसको हम यहाँ पर बनाएंगे। तो अभी मैंने इनका पिंजरा बिल्कुल तैयार कर दिया और ये काफ़ी मज़े से यहाँ पर खेल रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो वहाँ तोतों के पिंजरे से डोली वगैरह लाए थे, वो मैंने यहाँ पर रख दिए पानी के लिए, और दाने वाली डोली बाहर रखी अभी, क्योंकि अभी ये बिल्कुल यहाँ पर खेल रहे हैं, तो यहाँ पर खेल के फारिग होंगे तब इनको दाने वगैरह तब बाद में डालेंगे, पानी बाद में डालेंगे, क्योंकि अभी डाला तो वो बिल्कुल मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। तो ये अभी हमारा पिंजरा वगैरह तैयार हो चुका है और ये भी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं यहाँ पर, और ये इस तकरीबन हम इस पिंजरे की नस्बत काफ़ी ज़्यादा खुली जगह है इसमें, और ये अच्छे तरीके से रह सकेंगे। तो अभी यहाँ पर इनको एंजॉय करने देते हैं। तो अभी अपने ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक या कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।